आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कोतवाली थाना क्षेत्र सहित जिले में किसानों के खेतों से पानी की मोटर ड्रिप चोरी की शिकायतों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। एसडीओपी रूपरेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोर गिरोह का खुलासा किया। चोर गिरोह से 35 मोटर एवं ड्रिप लाइन जब्त की गई। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीओपी रूपरेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र सहित जिले में लगातार किसानों के खेतों से हो रही पानी की मोटर चोरी एवं ड्रिप लाइन चोरी की शिकायत पर एसपी पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने पानी की मोटर चोर गिरोह के 10 लोगों को पकड़ उनसे 35 पानी की मोटर जब्त कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं चोर गिरोह द्वारा खेतों में रैकी कर रात के अंधेरे में मोटर चोरी की वारदात की जा रही है। ये जैसा कि आप लोगों की भी संज्ञान में होगा कि अभी पिछले कई दिनों से जो हमारे किसान है वो बहुत परेशान चल रहे थे और बड़वानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो नर्मदा पट्टी से लगे हुए गाँव है और नहर है वहां पर किसानों की मोटर चोरी होने की और ड्रिप लाइन चोरी होने की शिकायतें लगातार आ रही थी और इन शिकायतों को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत गंभीरता से और संवेदनशील मामला होने से इसमें त्वरित कार्रवाई हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था और इसी तारतम्य में थाना कोतवाली की टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है और एक बड़ी गैंग को पकड़ा गया है जो इस तरह की चोरियों में इन्वॉल्व थी और उनसे हमने लगभग 35 मोटर अभी तक जब्त की और साथ में ड्रिप लाइन भी जब्त की है। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कहाँ के निवासी थे? ये सभी बड़वानी के ही रहने वाले हैं और बड़वानी अंजड़ और पलसूद के रहने वाले हैं। चोरियों का तरीका इनका ऐसा है कि रात के समय जब लाइट नहीं होती है कई बार और जनरली इनका रात में ही ये लोग जाते हैं ऐसे क्षेत्रों पर जो सुनसान इलाके जब वहां पर किसान नहीं होते हैं रात में सुनसान क्षेत्र होता है और लाइट भी नहीं होती है उस समय पर ये लोग जाकर पहले से रेकी कर लेते हैं कि इन्हें कौन सी मोटर वहां से उठानी है और फिर उसके बाद प्लानिंग के तहत ये लोग जाके मोटर काटते हैं और फिर बाद में उसे स्क्रैप के रूप में बेच देते हैं।